आगे बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार विधानसभा स्पीकर को हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। विधानसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। बीजेपी विधायक नंदकिशोर यादव ने यह नोटिस भेजा है। विधानसभा सचिव को यह नोटिस भेजा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार विधानसभा के स्पीकर को हटाने की यह तैयारी है। विधानसभा स्पीकर के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव भेजा गया है। तो स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव भेजा गया है। बीजेपी के विधायक हैं नंदकिशोर यादव, उनकी तरफ से यह नोटिस भेजा गया है। विधानसभा सचिव को अविश्वास प्रस्ताव का यह नोटिस भेजा गया है और संपादक अशोक मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, बिहार में नई सरकार का गठन होने के बाद तस्वीरें अब पूरी तरह से बदल गई है। ऐसे में बिहार विधानसभा के स्पीकर को भी अब हटाया जाएगा, नए स्पीकर को वहां पर बिठाया जाएगा और इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। अविश्वास प्रस्ताव भेज दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, रश्मि, नई सरकार के गठन के साथ ही अब विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी भी अब खतरे में पड़ गई है और बीजेपी सदस्य नंदकिशोर यादव ने विधानसभा सचिव को नोटिस भेजा और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। असल में नियमन ये है, रश्मि, कि विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अगर आप अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो 14 दिनों पहले आपको नोटिस देना पड़ता है, यानी कि 14 दिन के बाद ही सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसलिए नंदकिशोर यादव ने नोटिस दे दिया है और अब उम्मीद की जा रही है कि बिहार विधानमंडल का सत्र, जो बजट सत्र जो 5 फरवरी से होने वाला था, वो भी अब बढ़ जाएगी, क्योंकि नंदकिशोर यादव ने जो नोटिस दिया है तो 14 दिनों के बाद यानी कि 13 फरवरी के बाद ही विधानसभा का सत्र होगा, विधानमंडल का सत्र होगा। तो ऐसी परिस्थिति में अवध बिहारी चौधरी को तो हटाएगी ही सरकार और राज्य सरकार जो अपना बहुमत सिद्ध करेगी सदन में, तो नए अध्यक्ष के आने के बाद अपना बहुमत सिद्ध करेगी। इसलिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। सबसे पहले आरजेडी को सत्ता से बेदखल किया है, उसके बाद आरजेडी के विधानसभा अध्यक्ष को भी बेदखल करने की तैयारी सरकार ने तुरंत की है। इस शपथ ग्रहण के तुरंत बाद जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए नोटिस भेजा गया है, इससे यह साफ जाहिर है कि जो सदन में विधानसभा अध्यक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि सरकार को, नई सरकार को फिर अपना विश्वास मत भी प्राप्त करना होगा, वैसी परिस्थिति में विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए राज्य सरकार ने सबसे पहला काम किया है कि विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया है। रश्मि, बिल्कुल अशोक जी, साथ ही अगर बात करें तो क्या किसी नाम की भी चर्चा हो रही है कि अब किन्हें अध्यक्ष बनाया जाएगा? ये सत्ता के गलियारों में ये चर्चा है कि नंदकिशोर यादव हो सकते हैं, लेकिन अभी कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि पिछली दफे भी नंदकिशोर यादव का नाम आया था तो उन्होंने स्वतः मना कर दिया था और फिर विजय कुमार सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था, विधानसभा अध्यक्ष। लेकिन एक बात ये कह सकते हैं कि अब चूंकि इसी आरजेडी और जदयू की सरकार के पहले बीजेपी कोटे से ही विजय कुमार सिन्हा विधानसभा अध्यक्ष थे, जो अब डिप्टी सीएम बना रहे हैं, इसलिए अब उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी कोटे से ही विधानसभा अध्यक्ष हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगी। फिलहाल कह सकते हैं कि राज्य सरकार ने जो रणनीति बनाई है, उस रणनीति के तहत सबसे पहले वो विधानसभा अध्यक्ष को बेदखल करना चाहती है, विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को उनके पद से हटाना चाहती है और इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। अब चूंकि ये नोटिस भेजा गया है, इसलिए विधानमंडल के सत्र के भी बढ़ने की संभावना है और फिर उसके बाद सरकार पहले अध्यक्ष को हटाएगी, उसके बाद नए अध्यक्ष का चयन होगा। हालांकि अभी जदयू के सदस्य है महेश्वर हजारी, वो उपाध्यक्ष हैं, तो जब विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है तो अब सदन का संचालन अवध बिहारी चौधरी नहीं करेंगे, अब सदन का संचालन विधानसभा के उपाध्यक्ष करेंगे। वैसी परिस्थिति में ये उम्मीद की जा रही है कि सत्र के शुरू होने के साथ ही सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष को हटाया जाएगा और चूंकि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो सदन का संचालन महेश्वर हजारी करेंगे। इस तरह से पिछली दफे भी विधानसभा अध्यक्ष के रूप में विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो सदन का संचालन महेश्वर हजारी ने ही किया था, तो इसलिए ये प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। विधानसभा सचिव को यह अविश्वास प्रस्ताव भेज दिया गया है। हालांकि ये प्रक्रिया 14 दिन पहले की जाती है और यही कारण है कि
नई सरकार के गठन होने के साथ ही यह अविश्वास प्रस्ताव बीजेपी विधायक नंदकिशोर यादव की तरफ से भेज दिया गया है।